नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूट्यूबर महिला कथावाचक के यौन शोषण के 1.5 साल पुराने मामले में भोपाल पुलिस ने शुक्रवार को ब्याना निवासी रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। कस्बा निवासी आरोपी लोकेश शर्मा कोटा रेल मंडल में सिग्नल विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। भोपाल पुलिस शुक्रवार को भरतपुर के ब्याना पहुंची और लोकेश को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर रवाना हो गई। उधर थाने में मौजूद आरोपी के परिजनों ने दुष्कर्म के आरोप को झूठा बताते हुए इसे हनी ट्रैप का मामला बताया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मीडिया से बचने के लिए कपड़े से अपना मुंह ढककर पुलिस की कार में बैठ गया। एडिशनल डीसीपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि भोपाल निवासी 48 वर्षीय महिला ने 12 नवंबर 2022 को अशोका गार्डन थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि वह यूट्यूब पर कथावाचक है। महिला ने बताया कि भक्त मंडल के सदस्यों के सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए उसकी पहचान ब्याना निवासी लोकेश शर्मा के साथ हुई थी। फरवरी 2021 से भोपाल में एक कथा के दौरान मुलाकात हुई। महिला ने बताया कि 9 नवंबर 2021 को वह जोधपुर में कथा सुनने भोपाल से जोधपुर ट्रेन से जा रही थी, तभी लोकेश ने उसे फोन कर ट्रेन से कोटा में उतार लिया। कोटा में लोकेश ने अपने क्वार्टर पर ले जाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो खींच ली और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर बाद में मथुरा, जोधपुर, ऋषिकेश, भोपाल में कई बार होटलों में ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया। एसआई ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को उसके ब्याना में स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सर, अशोक गार्डन थाना पुलिस ने एक रेल कर्मचारी को गिरफ्तार किया। एक कथावाचक के साथ पीड़ित का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला? अशोक गार्डन में 2022 के नवंबर में ये एक कथावाचक है महिला, इन्होंने आके ये थाने पर आवेदन दिया था कि एक रेलवे के टेक्निकल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन है जिन्होंने उनके साथ संबंध बनाए और फिर वो ज़बरदस्ती संबंध बनाए दरअसल, और वहाँ से फिर वो उनको छोड़ के चले आए। पूरी कथा, पूरी बात जो हमने उसमें तस्दीक की तो ऐसा पता लगा कि ये कथावाचिका जो है राजस्थान अपने किसी जानकार के पास गई थी, वहाँ पर एक सम्मेलन में इनकी और ये जो आरोपी है इसकी मुलाकात हुई। वहाँ से इन लोगों में बातचीत होने लगी और इन लोगों ने राजस्थान में और भोपाल में भी आकर अशोका गार्डन में भी होटल में संबंध बनाए और फिर ये इनको धमकाने लगा कि वो इस संबंध में बाकी लोगों से शिकायत कर देगा और बता देगा। फिर इन्होंने थाने पर आकर ये एक आवेदन दिया जिसमें हम लोगों ने आवेदन के आधार पर एक रेप का मामला दर्ज किया था और पिछली 3-4 बार हम लोगों की टीम ने इस आरोपी को पकड़ के लाने की कोशिश की पर ये मिल नहीं पा रहा था संभव। कल फिर वापस जब टीम ने इसको चेक किया तो ये अपने स्थान पर पाया गया, तो हम लोग इसको कल राजस्थान से लेकर आए। सर, राजस्थान में कौन सी जगह से इसको गिरफ्तार किया गया आरोपी को? लगभग कितने वर्षों से दोनों साथ में थे? हाँ, इनका पिछले 1 साल से रिलेशनशिप था और राजस्थान के ये कोटा में टेक्नीशियन के रूप में पदस्थ है। अभी फिलहाल इसकी पोस्टिंग बयाना में है, कोटा के ही पास है, वहाँ से हम लोग उसको पकड़ के लेके आए हैं। अभी इसको न्यायालय पेश किया जाएगा, फिर आगे की प्रोसीडिंग की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।